आपको यहाँ पे लेना है करी लीव्स, और ज्यादा मात्रा में मैंने यहाँ पे ले रखी है, आप भी ऐसे लें, क्योंकि जब हम इसका जो चीज हमें बनानी है तो पत्तियां धीरे धीरे जब ड्राई होंगी तो ये कम ना हो जाए, इसलिए आपको यहाँ पे करी लीव्स लेना है। ठीक है, करी लीव्स में बीटा कैरोटीन प्लस विटामिन्स और मिनरल्स की बहुत ज्यादा मात्रा होती है। करी लीव्स आप अपने बालों में जब भी अप्लाई करते हैं तो आपके बाल बहुत ही तेजी से ग्रोथ होती है बालों की। और अगर हम ग्रे हेयर की बात करें तो ग्रे हेयर के लिए ये रामबाण है, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा असरदार है आपके सफेद बालों को काला करने के लिए। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, इन पत्तियों को हम अलग कर लेते हैं एक प्लेट में। तो यहाँ पे एक मैंने वैसे लिया हुआ है और इन पत्तियों को इस तरीके से आपको इसमें डालते जाना है। फ्रेश पत्ती ही आपको लेनी है, पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है, बिकॉज पाउडर में कुछ भी मिक्स हो सकता है, बट पत्तियाँ तो फ्रेश ही रहती हैं, उसमें कुछ भी मिलावट नहीं होता है। और जो फ्रेश जितना अच्छे तरीके से काम करते हैं बालों में, या किसी भी चीज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, अगर फ्रेश चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं तो वो ज़्यादा ही असर देते हैं और बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुँचाते हैं। अगर आपके घर में करी लीव्स का पौधा नहीं है तो आप प्लीज़ करी लीव्स का पौधा लगाएं, बहुत ज़रूरी है ये, और बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए, साथ में कुकिंग के लिए भी अच्छे से इस्तेमाल होता है। चटनी अचार बनाना है, छौंका लगाना है, सब में इस्तेमाल किया जाता है करी लीव्स का। तो सारी पत्तियों को इस तरीके से हम यहाँ पे तोड़ करके, मतलब लीव्स को अलग कर लेंगे इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे सारी पत्तियों को निकाल लिया है और ये देखिए डंठल अलग है और पत्तियां अलग हैं। अब आपको क्या करना है, बढ़ना है अपने किचन की तरफ और हम इसे रोस्ट करेंगे। और आपको यहाँ पे लोहे की कढ़ाई का ही इस्तेमाल करना है, अगर आपके पास नहीं है तो आप एल्यूमिनियम यूज कर सकती हैं, और अगर है तो प्लीज लोहे की कढ़ाई का ही इस्तेमाल करें। लोहे की कढ़ाई में करी लीव्स की पत्तियों को आपको डालना है और इन्हें आपको मीडियम फ्लेम में रोस्ट करना है। आपको इन्हें तब तक रोस्ट करना है जब तक कि ये जो ग्रीन आपको कलर दिख रहा है ये ब्लैक ना हो जाए, यानी कि ये अच्छे से रोस्ट ना हो जाए। धीमी आंच पे ही आपको करना है, तेज आंच पे नहीं करना है। तेज आंच पे करेंगे तो आपको भी पता है अच्छे से कि ये जल जाएंगी, तो हमें इन्हें जलाना नहीं है, हमें इन्हें रोस्ट करना है और धीमी आंच पे ही करना है। करी पत्ते में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए भी फायदेमंद होते हैं, इसीलिए डॉक्टर भी कहते हैं कि डेली अगर आप करी लीव्स की दो पत्तियां भी अगर सेवन करते हैं, खाते हैं, तो आपके सिर्फ बालों के लिए नहीं, आपके शरीर के लिए और आपकी त्वचा के लिए भी बेहद फायदेमंद होते हैं। ये आपकी त्वचा को कांतिमय बनाते हैं। तो आपको इन्हें धीमी आंच पे इस तरीके से रोस्ट करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ धीरे धीरे पत्तियों का कलर चेंज हो रहा है। और बिल्कुल कंप्लीटली इस तरीके से जब पत्तियां आपका कलर चेंज हो जाए तो गैस के फ्लेम को आपको बंद कर देना है, इन्हें ठंडा करना है, और उसके बाद मिक्सी में अच्छे से क्या कर लेना है, इनको बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेना है। पत्ती को यहाँ पे मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, इसका पाउडर बना लिया है। तो अब इस पाउडर से हम बनाएंगे आज का नुस्खा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक क्लीन बोल ले लेना है और इसमें आपको ऐड करना है इस करी लीव्स के पाउडर को। 1 चम्मच करी लीव्स पाउडर आपको ऐड करना है इस बोल के अंदर, और इसमें ऐड करना है 1 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच एलोवेरा जेल आपको इसमें ऐड करना है। इसके साथ ही आपको यहाँ पे 1 चम्मच करीब बादाम का तेल डालना है, या फिर आप विटामिन ई की कैप्सूल जो है वो भी ऐड कर सकती हैं। अब आपको सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है।
बालों को अच्छे से कॉम करना है और डिटैंगल करते हुए अपने बालों के स्कैल्प में लगाना है। इसके बाद अपने बालों में लगाएं। इसे रात में लगा करके सोएं तो ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज आप इसे दिन में भी अप्लाई कर सकती हैं। तो आपका पैक यहाँ पे रेडी हो गया है। आप चाहें तो यहाँ पे प्लांट बेस एलोवेरा जेल भी इस्तेमाल कर सकती हैं, बट उसे आपको स्टोर नहीं करना है। पैक को आपको हफ्ते में एक बार अप्लाई करना है और इसके साथ साथ आपको डेली रेगुलर बेस पे करी लीव्स की फ्रेश पत्तियों को खाना है। अगर आज से ही आपने ये शुरू कर दिया करना तो आपको वाइट हेयर की प्रॉब्लम तो होगी नहीं, इसके अलावा बालों में और जो समस्याएं हैं वो भी नहीं होंगी। अगर आप करी लीव्स खाते हैं, फ्रेश करी लीव्स जो पत्ती होती है उसको वॉश करके 2 करी लीव्स पत्ती अगर डेली खाते हैं ना तो भी बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इसे बनाएं, लगाएं। नुस्खा आज का कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। चैनल में न्यू है और फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर से मिलते हैं एक अनदर रेमेडी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।